कौन सी गारंटी की बात कर रहे हो? अभी मौजूद, अभी आप हाल में ही देखें, पेपर लीक हो गया, युवा परेशान है, बेरोजगारी कहाँ है? आज पेट्रोल का दाम देखिए, डीजल का दाम देखिए। ये लोग मीडिया के लोग हैं, इन लोगों के बातों में मत आना आप लोग। ये लोग बरगलाते हैं, लोगों को भरमाते हैं। जब अभी यही कहेंगे यादव की सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे वॉशिंग मशीन में जाएंगे, साफ हो जाएंगे, जो दूसरे पार्टी में रहेंगे गुंडा दिखेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऋषि यादव जी हैं, जो समाजवादी कुटिया इनकी है जौनपुर में, और उसी से ये परिचित है अपनी समाजवादी कुटिया से। कोरोना के समय में ये लोगों की मदद करते थे। क्या लग रहा है, क्या स्थितियाँ यहाँ आपको दिख रही है जौनपुर में? पीडीए की सरकार बन रही है, पीडीए यहाँ से निकल रहा है। दलित पिछड़ा संख्यक समाज आज जो इस सरकार में, जो मौजूदा सरकार है मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, सबसे ज़्यादा इसी समाज को सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है। कहीं ना कहीं आज पीडीए के लोग जाग चुके हैं। जनपद जौनपुर से या समाजवादी पार्टी माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को प्रत्याशी बनाई है, और मछलीसा लोकसभा से सुश्री प्रिया सरोज जी को। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ से साइकिल निकल रही है। बिल्कुल, लेकिन एक तरफ पीडीए की बात की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं कहीं मंचों से ये भी बात किया जाता है कि हम सब हर समाज की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पीडीए में तो साफ साफ दिख रहा है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो बाकी जो समाज यानी समाजवादी पार्टी उनके साथ नहीं है, या फिर वो आपके साथ तब नहीं है? मौजूदा सरकार जो अगड़े समाज के लोगों को प्रताड़ित की है, वो लोग भी इस पीडीए में सम्मिलित हैं, वो लोग भी साथ हैं। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो लोग इस सरकार से प्रताड़ित किए गए हैं, जो इस लोग सब इस समय साथ हैं। बिल्कुल, लेकिन इस समय मोदी की गारंटी की बात हो रही है, मोदी की गारंटी, मोदी का राशन, मोदी का सिलेंडर, मोदी का शौचालय, मोदी का आवास, मोदी का, अब तो पाइपलाइन भी पिस गई है, जल पहुंचा हो या ना पहुंचा हो, लेकिन अब उसका भी बात हो रहा है। तो फिर इन सारी तमाम चीज़ों, विकास जो विकास कहीं ना कहीं दिख रहा है भाजपा कह रही है, तो उसमें आप लोग कहाँ दिख रहे हैं? भाई कौन सी गारंटी की बात कर रहे हो आप? कौन सी गारंटी की बात कर रहे हो? अभी मौजूद, अभी आप हाल में ही देखें, पेपर लीक हो गया, युवा परेशान है, बेरोजगारी कहाँ है? आज पेट्रोल का दाम देखिए, डीजल का दाम देखिए। आज सोचिए सरसों का तेल कहाँ चला गया, क्या रेट में चला गया, आपको वो नहीं दिख रहा है? जनता भुखमरी है, आज वो आपको नहीं दिख रहा है? महंगाई कितना, सिलेंडर का दाम कहाँ चला गया? आप गारंटी गारंटी की बात कर रहे हैं, क्या है मोदी की गारंटी बताइए? भुखमरी की बात आप कर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है मोदी सरकार। मोदी सरकार 5 किलो राशन दे के पूरा देश बेच रही है, पूरा यह देश केवल 2 लोगों के खाते में बिक चुका है, अडानी अंबानी के हाथों में बिक चुका है। 5% के लोग इस देश को राज कर रहे हैं, 95% लोग परेशान हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमारा देश, आज लोग परेशान हैं मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। आज इंडिया गठबंधन जो भी प्रत्याशी है पूरे देश में आज जीतने का काम कर रहे हैं। इस सरकार से त्रस्त होकर लोग आज इस सरकार के खिलाफ लोग वोटिंग कर रहे हैं। गुंडे माफिया खत्म हो गए हैं, पता नहीं या तो जेल में है या तो फिर कहीं और। सबसे बड़े गुंडे और सबसे बड़े माफिया भारतीय जनता पार्टी में भरे हुए हैं, सबसे बड़े गुंडे, सबसे बड़े माफिया भारतीय जनता पार्टी में भरे हुए हैं। जो उनमें जाएंगे वॉशिंग मशीन से साफ हो जाएंगे, और जो दूसरे में रहेंगे उनको गुंडा दिखते हैं। हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे वॉशिंग मशीन में जाएंगे साफ हो जाएंगे, और जो दूसरे पार्टी में रहेंगे गुंडा दिखेंगे। बुलडोजर की सरकार यूपी में है, खासकर अगर यूपी में हम लोग हैं तो यूपी में बुलडोजर की सरकार है। अपराधियों पर बुलडोजर चलता है, घर को गिरा दिया जाता है। गरीबों के लिए बुलडोजर, अखिलेश यादव पाल के रखे थे, योगी जी तो कहते हैं, सदन में भी कहते हैं कि अखिलेश यादव के जो पाले हुए गुंडे थे हम उनको सबक सिखा रहे हैं। गरीबों के घर बुलडोजर चलते हैं, और माफिया लोग तो भारतीय जनता पार्टी में पड़े हुए हैं। और रही बात, अगर आप लोगों को बात ही करना है तो युवाओं की बात करिए। आज अग्निवीर जैसी योजना लाके यह सरकार, कितने अब जन देखते हैं, जो भी इंडियन आर्मी की जो भर्ती देखते हैं कौन, यही तो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग रहते हैं। आज बताइए 3-4 साल में लोग वापसी, क्या मतलब है सब? हम तो कहते हैं इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए, जैसे पहले इंडियन आर्मी की भर्ती होती थी उसी तरह फिर दोबारा होगा। मैं तो कहता हूँ विकास की सरकार लाइए। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यहीं जनपद जौनपुर में आप जाके देख लीजिए, सद्दीकपुर मेडिकल कॉलेज बना था। आज यह सरकार लगातार है, लेकिन उसको अभी पूरा कराने का काम नहीं कर पाई, कितने दुर्भाग्य की बात है। ये तो मेरे जनपद वासियों के लिए दुर्भाग्य की बात है भाई। और रही बात, आप बात कर रहे हैं ना, यहाँ से पीडीए की सरकार बने, पीडीए से माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जीत रहे हैं। यह सरकार बाबा साहब के संविधान को कुचलने का काम की है, वर्तमान की जो मौजूदा सरकार है। आज इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, आज बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। आज कहीं ना कहीं युवाओं के रोजगार की बात है। आज इंडिया गठबंधन एक एक सीट का ये महत्वपूर्ण है, लोग समझ रहे हैं, लोग जान रहे हैं। यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो इंडिया गठबंधन प्रत्याशी, उनको जिताने का काम करेंगे। या तो समाज को क्यों नहीं टिकट दिया रहा, अपने परिवार को टिकट दे रहे, ये भी या तो समाज कहते हैं। हम जब लोगों के बीच जाते हैं तो मैं समाजवादी हूँ, समाजवादी कभी जातिवादी नहीं होता,
और रही बात आप यादव यादव की कर रहे हैं ना, तो मैं तो यादव समाज ही कहता है कि क्या अखिलेश यादव को यादव नहीं दिख रहा, उनके परिवार में ही यादव। जहाँ तक बात आप कर रहे हैं यादव की, तो समाजवादी हूँ। और रही बात आप टिकट की बात करते हैं, यादव समाज ही कहता है, ऋषि यादव जी आप भी यादव, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं, क्योंकि जब यादव समाज कहता है कि क्या अखिलेश यादव को यादव नहीं मिलते पूरे यूपी में, उनका परिवार ही सिर्फ कहीं भी भेज देंगे, सैफई से भेज देंगे आजमगढ़ चुनाव लड़ने के लिए, बदायूं भेज देंगे और अन्य जनपदों में भेज देंगे अपने परिवार को, लेकिन क्या उन्हें यादव नहीं मिलता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप हमारी बात को ध्यान से सुनिए, आज बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, और आप यादव यादव करते हो, यही मीडिया वाले चिल्लाते हैं यादव यादव। आज यादव समाज, सभी समाज के लोगों को सम्मान अगर मिल रहा है तो यादव समाज उनके साथ, यहाँ से बाबू सिंह कुशवाहा जी को टिकट मिला है, सब लोग साथ खड़े हैं उनको जिताने का, उनको जिताकर हम लोग सांसद भेजने का काम कर, उनको सांसद बनाने का काम करेंगे। और रही बात आप जो कह रहे हैं ना, आपकी बात अगर लोग, जो लोग भी भाई सुन रहे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ, ये लोग मीडिया के लोग हैं, इन लोगों के बातों में मत आना आप लोग, ये लोग बरगलाते हैं, लोगों को भरमाते हैं, जब अभी यही कहेंगे यादव की सरकार है, वही कहेंगे अब इस तरह का हो तो इस तरह का, तो लोगों की बातों में मतलब आप लोगों से सवाल किया जाए तो फिर हम लोग बरगलाते हैं। आज लोकतंत्र बचाने का सवाल है, आज संविधान बचाने का सवाल है, युवाओं को रोजगार देने का सवाल है, आज अग्निवीर जैसी योजना को हटाने का सवाल है, इसलिए कोई भी त्याग करना होगा करने के लिए तैयार हैं, इस सरकार को हटाने के लिए सब तैयार है, सब मंजूर है, इस सरकार को किसी तरह देश से बेदखल करना है। तो आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन इसमें कामयाब हो जाएगी? इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। यहीं आप जनपद जौनपुर में चले जाइए, मनी बाबू सिंह कुशवाहा जी टिकट चुनाव लड़ रहे हैं, सुश्री प्रिया सरोजी लड़ रही हैं, आप देख लिया जनपद जौनपुर में जाके देखिए, जन जन में बाबू सिंह कुशवाहा जी के लिए आवाज़ निकल रही है, मौर्य समाज एकदम जग चुका है, आप देख लीजिए, चलिए आप देखिए, पीडीएस समाज के लोग एकदम। क्या अपील करते हैं लोगों से, किन मुद्दों पर वोट करने की बात करते हैं आप लोग जब जाते हैं लोगों के? शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार हमें चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार विकास। जनपदवासियों आप जा मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, यही मौजूदा की जो सरकार है आज इतना दिन से उस अभी क्या अब तो वहाँ से अच्छा खासा बहुत इलाज शुरू हो गया होता, लेकिन यह मौजूदा सरकार जो काम पार्टी ने शुरू किया तो उसको भी। रही बात लोग जाग चुके हैं, लोगों को नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, हमें धर्म के नाम पे किसी से लड़ाई नहीं करना है, हम तो हिंदुस्तानी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख का ही आपस में सब, हम सब तो भाई भाई हैं, हमें नफरत की राजनीति नहीं करना है, भाईचारे की राजनीति करना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी समझ चुके हैं कि 2014 में आए थे, 24 में जा रहे हैं, झोला लेके जा रहे हैं, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, देश में नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, क्यों नहीं करते आप विकास की बात नहीं करते, क्यों अपने काम को नहीं बताते कि मैंने ये काम किया, क्यों इस तरह की बातें करते हैं? अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं, हिंदू मुसलमान सबको आपको एक नज़र से देखना चाहिए, इस तरह की बातें करना एक प्रधानमंत्री जी के लिए शोभा नहीं देता। पिछले लोकसभा में यूपी में बहन मायावती का भी साथ था, तो अब तो वो साथ नहीं है, क्या लग रहा है? लोग साथ हैं, जनता साथ है, वोटर साथ हैं, किसी पार्टी के रहने के न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज पढ़े लिखे लोग, आज पीडीए के लोग, आज समाज को, आज लोग देख रहे हैं बाबा साहब के संविधान को बचाना है, बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए लोग इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए कर रहे हैं, लोग जान रहे हैं सरकार। रही बात हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते, लेकिन मैं इतना जरूर करता हूँ, आप लोगों को संविधान की रक्षा करना है, हम सबको मिलकर करना है, हम सब मिलकर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम करें, पूरे देश में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी को जिताने का काम करें।